नमस्कार दोस्तों, शान बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको गला काटने का तरीका बताएंगे, किस तरीके से मटका सेप गला कटता है। तो देखिएगा दोस्तों, पीछे का हम मटका सेप गला काटेंगे और आगे का हम आपको स्वीट हार्ट गला काट के दिखाएंगे, जो कि स्ट्रेट स्वीट हार्ट होगा। पीछे का बैक जो होगा वो होगा मटका सेप। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले आप देखिए, बुकरम लेते हैं हम 8 इंच चौड़ी। ये देखिएगा दोस्तों, 8 इंच चौड़ी बुकरम है आपके सामने। इसको हम डबल फोल्ड करते हैं, देखिए किस तरीके से, इस तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया दोस्तों। और देखिएगा, इसको अपनी तरफ से हम इस तरीके से बिछाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, गला काटने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले 1 इंच चौड़ा निशान लगा लेंगे, जो कि नीचे एक तरफ 1 इंच का चौड़ा मार्जिन बचा लेते हैं दोस्तों। तो इसको हम यहाँ से सीधा कर देते हैं। सबसे पहले गले का जो ब्रॉड होता है दोस्तों, वो होता है 6 इंच चौड़ा। तो 6 इंच चौड़े के लिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये बुकरम हमने आपको बताया था कि डबल हमने फोल्ड कर रखी है दोस्तों। तो इसको हमने डबल फोल्ड पे हम 6 इंच चौड़ा जो करेंगे, तो 3 इंच ब्रॉड लगाएंगे दोस्तों। देखिएगा, तो 3 इंच हमने ये ब्रॉड का निशान लगा दिया। 3 दूना 6 होता है दोस्तों, बुकरम अगर डबल है तो 3 दूना 6। तो देखिएगा दोस्तों, हमने आपको बताया 3 इंच चौड़ा हमने जो निशान लगाया, तो नीचे की डबल बुकरम होने के कारण। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया 3 इंच चौड़ा, उसके बाद जैसे गले की लंबाई हमने आपको बताई नहीं है अभी, मगर बता देते हैं, 9 इंच लंबाई है गले की बैक की। तो देखिएगा दोस्तों, 9 इंच जो हम नापेंगे वो इसको इस तरीके से नापेंगे। यहाँ पर भी हम पहले तिरछा निशान, सीधा निशान लगा लेते हैं 3 इंच चौड़ा ब्रॉड का, और इसको हम सीधा कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिएगा दोस्तों, हमने इस निशान को सीधा कर दिया है। 9 इंच लंबाई है गले की, तो 9 इंच में हम जो तिरछा निशान लगाएं दोस्तों, यहाँ से तिरछा करेंगे इस निशान को इस तरीके से, इंची टेप से, तो 9.5 लगाएंगे दोस्तों। तो 9.5 इंच हमने दोस्तों ये लगा दिया। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हमने 3 इंच चौड़ा लगाया हुआ निशान, और यहाँ से भी हमने 3 इंच चौड़ा लगाया हुआ दोस्तों, और यहाँ से हमने 9.5 इंच लगाया है दोस्तों। तो इसको हम जब हम सेप देंगे तो दोस्तों इस तरीके से देंगे। देखो देखिएगा, यहाँ से जो हम सेप देंगे वो इस तरीके से देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से जब हम गोलाई देंगे तो इसको इस तरीके से देंगे। मटका शेप जब हमें काटना होगा तो इस तरीके से, यहाँ से ये हमारा मटके का शेप होगा दोस्तों। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, आप निशान जो देख रहे हैं, जो हमने ये 6 इंच चौड़ा ब्रॉड का निशान लगाया था, इसके अंदर हम थोड़ा सा बाहर की तरफ घुमा सकते हैं, तो ये हमारा मटका शेप होगा दोस्तों। यहाँ पर हमारी डोरी बन जाएगी दोस्तों। जब डोरी बनेगी तो हम आपको बताएंगे किस तरीके की डोरी बनेगी। तो देखिएगा दोस्तों, फिलहाल तो हम आपको गला काटने का ही तरीका बता रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारा मटका शेप का डिज़ाइन का तरीका लगा दिया हमने, निशान किस तरीके निशान लगता है ये हमने टोटल निशान आपको दिखाया। तो देखिएगा दोस्तों, मटका शेप हम गला काट के भी आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मटका शेप गला हमने आपको काट के दिखाया, अब हम इसको सीधा करते हैं दोस्तों। देखिएगा, सीधा करके आप देखिएगा, ये मटका शेप ऐसे होती है दोस्तों। ये हमने आपको मटका सेप का गला दिखाया दोस्तों। तो इसको हम सेटिंग करके दिखाते हैं किस तरीके सेट होता है। देखिए दोस्तों, इसको हम डबल से इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ से इसको इस तरीके से सेटिंग करते हैं इसको। ये हमारा बैक गला है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारा मटका सेप गला तैयार हो गया। अब हम आपको आगे का गला दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, आगे का गला काटने के लिए भी यहाँ से हम इसको निशान इस तरीके से सीधा करते हैं, और 6 इंच ब्रॉड का निशान वही यहाँ पे, जैसे कि हमने आपको बैक गले में दिखाया था, वो इसमें लगाते हैं, यहाँ पे लगाया हमने। उसके बाद आगे का गला 7 इंच है दोस्तों, तो 7.5 काटेंगे हम, आधा इंच एक्स्ट्रा होता है जो कि गंदी दबाने में चला जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमने 7.5 इंच यहाँ पर लगा दिया तिरछा, उसके बाद 3 इंच ब्रॉड हमने यहाँ पर लगा दिया। तो देखिएगा दोस्तों, इसको हम इस प्रकार से सीधा कर देते हैं, तो ये हमारा निशान स्क्वायर निशान होगा चौकुटा। तो इसको देखिएगा दोस्तों, 6 इंच हमने यहाँ से ब्रॉड लगाया निशान, और 6 इंच यहाँ से, 6 दूना 6 का आधा 3 होता है, तो इस तरीके दोस्तों। और यहाँ से देखिएगा, स्ट्रेट स्वीट हार्ट इसको देखो बोलते हैं, स्ट्रेट स्वीट हार्ट। तो इसको दोस्तों हम स्ट्रेट स्वीट हार्ट जो गला काटेंगे वो इस तरीके से काटेंगे। ये हमारा ब्लाउज का आगे का गला है दोस्तों। तो देखिएगा, स्ट्रेट स्वीट हार्ट के लिए हम इस तरीके से निशान लगाते हैं दोस्तों। ये हमारा आगे का स्वीट हार्ट गला तैयार हो गया, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट स्वीट हार्ट। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, इसको हम इस तरीके से काट देते हैं। ये हमारा स्ट्रेट स्वीट हार्ट की कटिंग हो गई दोस्तों। ये हमारी जो आप देख रहे हैं, जो हमने निशान डबल लगाए हुए हैं,
तो इसको भी हम यहाँ से इस तरीके से काट देते हैं। आगे का गला दोस्तों ये देखिएगा, स्ट्रेट स्वीट हार्ट हमारा आगे का तैयार है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट स्वीट हार्ट गला। तो ये देखिएगा दोस्तों, आगे का स्वीट हार्ट गला तैयार हो गया है। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो हमने काटा है इसको अलग अलग पोर्शन में, तो देखिएगा दोस्तों, तो ये अलग अलग पोर्शन में ही बनता है। जैसे फ्रंट अलग होता है तो एक फ्रंट अलग होता है, एक फ्रंट अलग होता है, तो दोनों में ही अलग अलग गला बनता है। तो अब हम आपको बनाने का भी तरीका बताएंगे। देखिएगा दोस्तों, ये गला है स्वीट हार्ट आगे का, तो इसको हम बनाएंगे, बनाने का तरीका आपको बताएंगे। ये हमने पहले इस तरीके से काटा था, बराबर था, तो इसको हमने 20 सेंटर से अलग अलग कर दिया दोस्तों, इस तरीके से काट दिया यहाँ से हमने कैंची से। तो अब इसमें जो देखिएगा, अब अलग से पीस जोड़ेंगे हम थोड़ा सा, तो वो जोड़ने का तरीका भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से गला बनता है। ये तो हमारा हो गया जो होगा बटन की साइड का, और ये हमारा हो गया काज की साइड का। तो ये हमारा बटन वाली साइड जो है ना, इतने एक्स्ट्रा होती है, तो वो हम आपको बताएंगे किस तरीके से जुड़ेगी दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ये तो हमारा ये जो हम पीस जो आपको बता रहे हैं, वैसे ऐसे जोड़ना चाहिए। आप सोचेंगे कि इस तरीके से क्यों नहीं जोड़ा, तो इसको हम सीधा जोड़ेंगे, इस तरीके से सीधा जोड़ेंगे। जो आप हम जो फ्रंट दिखाएंगे उसमें बनाते हुए, तब हम आपको बताएंगे इस तरीके से हमने क्यों जोड़ा है। तो देखिएगा दोस्तों, इसको हम यहाँ से इसके अटैच कर देते हैं दोस्तों सिलाई से। ये देखिएगा दोस्तों, हमारा ये अटैच हो गया। इस पर हम एक सिलाई और मार देते हैं ताकि हिले ना हमारा इधर उधर। देखिएगा दोस्तों, ये हमने इस तरीके से कर दिया। अब देखिएगा, इसके लिए हम कपड़ा लेते हैं इतना चौड़ा, और इसको हम गला बनाने का तरीका आप देखिए किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से रखेंगे दोस्तों, इसके ऊपर ये देखिएगा दोस्तों, हमने ये रख दिया, और इस पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे दोस्तों बीच में बुकरम के। देखिएगा दोस्तों, ये और जो आप साइड में कपड़ा देख रहे हैं, इसको हम इतना इतना कपड़ा देके मार्जिन छोड़ देते हैं। तो यहाँ से अब जो आप मार्जिन देख रहे हैं एक्स्ट्रा साइडों में, तो इसको हम इस तरीके से स्कूपर को फोल्ड कर देते हैं दोस्तों। ये देखिएगा, हमने दोस्तों मार्जिन फोल्ड कर दिया है दोस्तों। इसको हम इसके ऊपर मोड़ देते हैं कपड़े को। ये देखिएगा दोस्तों, दोनों तरफ से हम इसको फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिएगा, कपड़ा हमने इसका चारों तरफ का फोल्ड कर दिया है। तो ये तो हमारा एक साइड का गला आधा तैयार हो गया, और दूसरी साइड का गला भी हम तैयार करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से होगा। देखिएगा दोस्तों, ये हमने जो जड़ा था वो इस तरीके से जड़ा था यहाँ से। इसको भी ध्यान रखेंगे, कभी ऐसा ना हो कि आप इसको भी इस तरीके से जड़ दें यहाँ से। तो ध्यान रखें, जब हम इसको जड़ेंगे तो दोनों को मिला के देख लेंगे सामने में, आमने सामने टक्कर खा रहा है कि नहीं खा रहा है। देखिएगा, सेम मैचिंग आ रही है गले की या नहीं आ रही। तो इसको हम दोस्तों इस तरीके से रखेंगे। कभी आप इसको इस तरीके से रख देंगे तो गला आपका साइड गलत हो जाएगी, तो आप इसको हमेशा इस तरीके से रखेंगे दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, इसको भी हम इस तरीके से बीच में सिलाई मारते हैं, जड़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो आप देखेंगे एक आधा इंच का मार्जिन हम इस पर छोड़ देते हैं, इसके आगे जो आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है हमने, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको हम इस तरीके से काट देते हैं। और जो आप ये जो मार्जिन देख रहे हैं एक्स्ट्रा साइडों का, इस साइड का, तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं दोस्तों इसके ऊपर, और इसको यहाँ से इस तरीके से बना देते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, हमने इसको ऊपर से फोल्ड कर दिया है। तो देखिएगा, ये हमारा दोनों साइडों के आधे आधे गले, हाफ हाफ जो है वो तैयार हो चुके हैं दोस्तों। अब हम इनको आपको बनाने का तरीका बताएंगे दोस्तों किस तरीके से बनेगा। तो ये सबसे पहले आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये हमने जो गला जड़ा है वो हमारा इस तरीके से गला आपको दोस्तों तैयार है सामने। ये देखिएगा, ये हमारा स्वीट हार्ट गला दोस्तों आपके सामने, केवल अस्तर में हमने आपको जड़ के बताया। बाकी जो नीचे का तरीका आप देख रहे हैं, जैसे कि आप ये सोच रहे होंगे ये किस लिए रखा है, तो ये भी हम आपको जब जड़ेंगे तब आपको बताएंगे किस तरीके से हमने इसको क्यों रखा है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम आपको फ्रंट उठा के दिखाते हैं किस तरीके से फ्रंट में हम इसको जड़ेंगे। देखिएगा, ये एक फ्रंट ये है जो कि ये काज वाला है, ये हुक वाला है, और ये काज वाला है। तो दोस्तों, इसको हम देखिएगा, ये आपके सामने फ्रंट तैयार है। तो इनमें से हम यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इसको हम फ्रंट को यहाँ पर मिला लेते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया था 6 इंच ब्रॉड दोस्तों, तो यहाँ से जैसे दोस्तों ये देख रहे हैं कंधी आप इसकी, तो यहाँ पर हम 3 इंच चौड़ा यहाँ पर इसको कुटका लगा लेते हैं दोस्तों। ये देखिएगा, हमने तो दोस्तों कुटका लगा लिया यहाँ पर 6 इंच चौड़े के ब्रॉड का। इस कुटके से दोस्तों इस पर हम गला जड़ेंगे। तो आइए देखिएगा, देख आधी साइड वाला गला, सबसे पहले हम ये वाला साइड का गला लेते हैं, इसको हम अलग रख देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने आपको कुटका दिखाया हुआ है, इस कुटके पर हम इसको यहाँ निशान पर मिलाते हैं, और इसको हम
जो देख रहे हैं आप, आधा इंच जो अस्तर छोड़ा हुआ हमने इसको आगे निकाल दिया है दोस्तों, और ये आधा इंच ये इसको सेम मिला देते हैं यहाँ पर। और इसमें जब हम सिलाई मारते हैं दोस्तों, तो बुकरम के ना तो ऊपर हम लगाते हैं सिलाई को, और बुकरम के बिल्कुल एकदम पास में लगाते हैं दोस्तों, ना ही दूर और ना ही ज़्यादा बुकरम के ऊपर। तो एकदम बुकरम के हम जो लगाएंगे सिलाई, वो एकदम जड़ में लगाएंगे दोस्तों। देखिएगा सिलाई लगाते पे आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों जड़ में। ये देखिएगा दोस्तों, बुकरम पे हमारी सिलाई नहीं चढ़ी है, एकदम जड़ में हमारी सिलाई होनी चाहिए बुकरम के, जो कि सिलाई आपको दिखाई नहीं दे रही होगी दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको गले को पलट के दिखाएंगे दोस्तों, किस तरीके से गले को पलटेंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से काट देते हैं, आधा इंच का मार्जिन देके। और ये देखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ पर कट जो लगा रहे हैं दोस्तों, तो सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए, आप ध्यान रखें। कभी भी आप अगर ये वाला कट लगाएंगे, तो जो आपने सिलाई लगाई जड़ में, सिर्फ उसके पास तक कैंची जानी चाहिए, मगर सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो ये देखिएगा, हमने कट लगा दिया दोस्तों। दोस्तों ये देखिएगा, आप कट लगा हुआ है, मगर सिलाई हमने नहीं काटी है, सिलाई हमारी मौजूद है। तो देखिएगा दोस्तों, इस गले को हमने इस तरीके से अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है। तो ये हमने देखिएगा, अंदर की तरफ हमने इसको फोल्ड कर दिया दोस्तों, और इसके ऊपर हम कच्चा लगा देते हैं, क्योंकि तुरपाई होगी तो ये कच्चा हमारा उधेड़ दिया जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमने आगे का गला कच्चा लगा दिया हमने, और ये जो देखिएगा हमने आधा इंच कपड़े का छुड़वाया था आगे, इसको हम अंदर की तरफ को फोल्ड कर देते हैं दोस्तों। ये हमारा स्वीट हार्ट गला आगे का आधा साइड हमने तैयार करके आपको दिखाया है। ये देखिएगा दोस्तों, सिर्फ आधी साइड हमने आपको इसकी तैयार करके दिखाई है। तो देखिएगा आप, दूसरी आधी साइड जो है वो भी हम आपको अभी पूरी करके दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये तो हमारी आधी साइड तैयार हो गई, अब हम आपको दूसरी साइड दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि हमने आधी साइड आपके सामने ही पेश की है, यहाँ पर हम इसको इसके बराबर रखते हैं। जैसे कि आपने कट हमने आपको बताया था 3 इंच ब्रॉड का, तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं इसके बराबर। और ये जो हमने आपको गला ये जो ये वाला बनाया है, इसके बराबर हम इसको पहले नाप के निशान लगा लेते हैं, ताकि हमारा छोटा बड़ा ना हो जाए। तो देखिएगा दोस्तों, इसको हम निशान लगाने का तरीका आपको बताते हैं। ये आप ध्यान रखें हमेशा, ये जो प्लेट्स देख रहे हैं आप, ये डट्स पड़ी होती हैं, तो इनको देख ध्यान दें कि बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर हम इसको निशान लगा लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर, ताकि गला हमारा आउट ना हो। ये हमारा गला यहाँ तक बनेगा दोस्तों, ताकि गला आगे पीछे ना हो। तो ये हमने चाक से निशान लगा दिया दोस्तों। अब हम आपको गला जड़ के दिखाते हैं किस तरीके से जड़ेंगे। तो ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने 6 इंच का ब्रॉड का निशान लगा दिया, और ये जो हमने निशान आपको लगा दिया तैयारी का निशान। अब देखिएगा दोस्तों, आपको हम बता रहे थे कि हमने जो निशान जो लगाया है, ये जो एक्स्ट्रा बुकरम लगाई है, वो इसलिए लगाई है, अगर हम इसको तिरछा लगा दें तो ब्लाउज का जो है एक हिस्सा छोटा बड़ा हो जाता, क्योंकि तिरछा होता तो एक हिस्सा छोटा बड़ा हो जाता, और ये सीधा है तो स्ट्रेट रहेगा। ये हम आपको बनाने के बाद दिखाएंगे किस तरीके से स्ट्रेट रहता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हमने इसको जड़ में सिलाई हम लगाते हैं दोस्तों। ध्यान रखें कि आपने जो निशान लगाया लंबाई का निशान का इसका गले का, वो उसी पर ही रहे केवल। जैसे कि एक कस्टमर ने हमसे कमेंट में पूछा था कि हमारा कंधी गिर जाता है, तो उसका भी हम तरीका इसी ब्लाउज में बताएंगे कि कंधी ना गिरे, उसके लिए हम तरीका बताएंगे कि किस तरीके से कंधी नहीं गिरती दोस्तों। तो अब आप देखिएगा, इसको हम आधा आधा इंच के मार्जिन से यहाँ से काट देते हैं। तो यहाँ से इसको देखिएगा, पहले हम यहाँ पर कुटका लगाते हैं जहाँ पर ये कोना है। तो सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए, कभी भी हमने आपको बताया था, कभी भी हम कट लगाते हैं तो सिलाई नहीं कटनी चाहिए, कुटका इस तरीके से लगाएं। तो ये देखिएगा, हमने 2 कट लगाए दोस्तों, 1 और 1 2। तो इसको हम सीधा करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम यहाँ से इस तरीके से करेंगे दोस्तों, और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ से कर देंगे, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे दोस्तों। इसको चारों तरफ से हम इस तरीके से निकाल देते हैं, और ये देखिएगा कच्चा मार देते हैं, जो कि कच्ची सिलाई होती है। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमने कच्ची सिलाई दोस्तों इसके ऊपर कर दी है। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारा स्वीट हार्ट गले का आधा भाग ये वाला तैयार है, और आधा भाग ये है दोनों। तो दोनों मिलाकर के दोस्तों देखिएगा, स्वीट हार्ट गला हमारा, ये फिक्स स्वीट हार्ट गला हमारा तैयार हो गया। सीधा रखने से हमें ये फायदा होता है, अगर हम टेढ़ा कर देते हैं इसको, तो ये अंदर की तरफ को इस तरीके से भाग जाता है इस तरीके से। तो इसको देखिएगा दोस्तों, ये हमारा स्वीट हार्ट गला सेम बन गया, एकदम जैसे हमने काटा था सेम वैसा ही बनाया दोस्तों। तो अब हमें इसको कच्चा यहाँ से 20 सेंटर से मार देते हैं। देखिएगा दोस्तों, कच्चा मारने का भी, इसको यहाँ से हम ब्लाउज का सेंटर कच्चा गला मार देते हैं।
यहाँ पे कच्चा हम आपको इसलिए लगा के दिखा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको गला स्वीट हार्ट हमारा सही तरीके से दिख जाए किस तरीके से हमने बनाया है। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारा स्वीट हार्ट गला कच्चा हमने मार के आपको दिखा दिया है। ये हमारा स्वीट हार्ट गला तैयार हो गया। देखिए दोस्तों, बैक गला बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा स्तर लेते हैं, इसको हम डबल फोल्ड करते हैं। जैसे कि हमने गला आपको सेम काट के दिखा था, उसी तरीके से इस पर भी ब्रॉड का निशान हम लगा लेते हैं, 6 इंच चौड़ा ब्रॉड का निशान। ये देखिएगा, ये हमने 6 इंच चौड़ा ब्रॉड का निशान लगा लिया दोस्तों। अब इसको हम कपड़े को इस तरीके से खोल देते हैं, और यहाँ पर देखिएगा बुकरम को हम जो गला हमने काटा है वो उसको इस तरीके से यहाँ रख देते हैं। 6 इंच ब्रॉड का हमारा निशान आउट भी नहीं होगा और गला भी बन जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इस पर हम सिलाई लगाते हैं, कुटके के ऊपर अनुसार हमने तैयार कर रखा है। तो इसको देखिएगा, हम सिलाई लगाते हैं, इसको इस तरीके से सिलाई लगाते हैं। ध्यान रखें कि कुटका आपका आउट नहीं होना चाहिए बुकरम से। तो देखिएगा दोस्तों, आपके सामने हम सिलाई लगा के तैयार करके दिखा रहे हैं गला आपको। इसको हम बोलते हैं मटका शेप गला। तो ये हमारा देखिएगा, कुटकों पे मटका शेप गला हमने आपको जड़ के दिखा दिया दोस्तों। और इसके साइडों में जो आप कपड़ा देख रहे हैं एक्स्ट्रा, इसको हम इस तरीके से काट देते हैं। मार्जिन इतना दे देते हैं ताकि हम अगर इसको फोल्ड करें आराम से तो इसके ऊपर फोल्ड हो जाए। तो देखिएगा दोस्तों, इसको हम फोल्ड करते हैं इसके ऊपर से, तो वो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेंगे, जहाँ गोलाई आपको दिखे वहाँ आप कट लगा सकते हैं आराम से, ताकि कपड़ा हमारा ऊपर का मुड़ जाए। देखिएगा दोस्तों, इस कपड़े को हमने इस तरीके से इसके ऊपर गोलाई से मोड़ देते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमने गोलाई से इसके ऊपर का कपड़ा हमने चारों तरफ का मोड़ दिया है। अब हम इसको आपको बना करके दिखाएंगे किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। तो देखिएगा, इसको हम पहले इसको इस तरीके से बीच में करते हैं, मिला देते हैं, और बीच में हम इसको कुटका लगा देते हैं। तो दोस्तों, बीच में कुटका हमने किस लिए लगाया ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारा गला अस्तर में जड़ा जा चुका है। अब हम आपको इसको बना के दिखाएंगे बैक में किस तरीके से बनता है। तो देखिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले बैक उठाते हैं। बैक में हमने कुटके पहले ही लगा रखे हैं दोस्तों, 6 इंच ब्रॉड के निशान से। देखिएगा, एक कुटका ये है और एक ये है और एक ये है। ये हमारा 20 सेंटर का कुटका है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, 20 सेंटर वाले कुटके को हम इस तरीके से यहाँ मिला देते हैं, और इसको हम 20 सेंटर से पहले हम कच्चा लगा देते हैं दोस्तों, ताकि हमारा गला इधर उधर आउट ना हो दोस्तों। तो ये देखिएगा दोस्तों, हमने 20 सेंटर में दोस्तों कच्चा डाल दिया है इसके। कच्चा डालने के बाद यहाँ से हम मशीन को इस तरीके से निकाल देते हैं बाहर की तरफ को। और देखिएगा दोस्तों, इसको हम जब हम सिलाई लगाएंगे, आप याद रखें जैसे हमने आपको कई बार बताए हैं पहले भी, जड़ में हमारे बुकरम की सिलाई होनी चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, जड़ में हमारे बुकरम की इस तरीके से सिलाई हम चारों तरफ चला के दिखाएंगे। तो देखिएगा, गला बनाने का हम आपको पूरा ही तरीका बता रहे हैं। एक दो टाँका अगर बुकरम पर चढ़ भी जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है, बट आप फिर भी ध्यान रखें कि बुकरम पर हमारा टाँका नहीं चढ़ना चाहिए। देखिएगा, ये बुकरम पर हमने जड़ में सिलाई लगा दी है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, हमने चारों तरफ जड़ में सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इसको देखिएगा, एक एक पैर का मार्जिन देकर यहाँ से साइडों में इसको काट देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कई जगह गोलाई है, जैसे कि यहाँ पर गोल है और यहाँ पर गोल है, तो इसको हम कुटका लगा देते हैं। यहाँ देखिएगा, ये हमने कुटका लगा दिया दोस्तों, और यहाँ पर भी कुटका लगा दिया। गोलाई में हमेशा कुटका जो लगाएंगे आप, तो याद रखें कि सिलाई जो आपने लगाई है वो जड़ में वो कटनी नहीं चाहिए। तो आप देखिएगा, यहाँ पर भी हम कट लगा देते हैं। कट इस तरीके से लगाएं कि सिलाई नहीं कटे आप जो जड़ में लगाए हैं। तो ये देखिएगा, हमने ये कट लगा दिए दोस्तों। इसको अब हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे दोस्तों इस तरीके से। तो देखिएगा, अंदर की तरफ हम जब फोल्ड करेंगे इसको, तो इस तरीके से हमारा मटका शेप गला पूरा निकल आएगा। ये हमने दोस्तों इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, ये हमारा मटका शेप गला दोस्तों निकल के सामने आ गया। अब एक कस्टमर ने जैसे हमसे पूछा था कि इसकी कंधी जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है कि जब हम ब्लाउज को पहनते हैं तो कंधी हमारी गिर जाती है दोस्तों, तो उसका तरीका भी हम आपको इसी ब्लाउज में बताते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, इसको हम इस तरीके से यहाँ से कंधी जोड़ने का तरीका बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसको हम इस तरीके से रखते हैं जब हम कंधी जोड़ेंगे, तो आप याद रखें कि बुकरम को हम इस तरीके से खोल के रखेंगे बाहर की तरफ को, और इसको भी खोल के रखेंगे।
इतना इतना पीस हम खोल लेते हैं। और जैसे कि इस ये देख रहे हैं आप जो फ्रंट देख रहे हैं, ये देखिएगा फ्रंट आपके सामने है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे दोस्तों यहाँ पर, और कंधी जोड़ने का तरीका हम आपको बताएंगे। देखिएगा दोस्तों, दोस्तों जब आप कंधी जोड़ते होंगे तो आप क्या करते होंगे कि आप सीधा यहाँ से इसको इस तरीके से सिलाई लगाते होंगे। ये देखिएगा ये जो हमने निशान लगाया है, आप सीधा इस तरीके से लगाते होंगे। तो आप इस तरीके से ना लगा के, सीधा ना लगा के देखिएगा इस तरीके से लगाएं दोस्तों। यहाँ से हम इसको ज़्यादा मार्जिन लें थोड़ा सा, और इसको हम अपनी तरफ को थोड़ा सा देखिएगा जैसे इस तरीके से जोड़ें। इधर को आप मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लें और इधर को थोड़ा कम लें, यानी गले की तरफ को आप थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लें जोड़ते समय, और बाहर की तरफ को थोड़ा सा कम लें। तो इससे क्या होता है कि आपकी कंधी जो है कभी भी एकदम नहीं गिरेगी नीचे को, आपको एकदम ब्लाउज जो फिटिंग आएगा वो एकदम बहुत अच्छा फिटिंग आएगा, गला कभी भी नहीं गिरेगा दोस्तों। तो हम इसको जोड़कर दिखाते हैं दोस्तों। देखिएगा जोड़ने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिएगा नीचे हम बैक रखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने देख रहे हैं बैक है। तो बैक को अब इसके ऊपर हम जो फ्रंट रखेंगे वो इस तरीके से रखेंगे दोस्तों, जिस तरीके से हम आपको निशान दिखाए थे। देखिएगा यहाँ से हम जोड़ते हैं इसको, कम मार्जिन लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर हम मार्जिन नीचे की तरफ दोस्तों बढ़ा देते हैं। तो देखिएगा नीचे की तरफ हमने मार्जिन बढ़ा दिया है दोस्तों, यहाँ से देखिएगा हमने कम मार्जिन लिया और यहाँ के ज़्यादा कर दिया है। देखिएगा दोस्तों दूसरा भी इसी साइड से हम, जैसे कि आपको ये बताए थे वही सेम इस पर भी हम यही करते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा मार्जिन ले देते हैं और इसके बाद में यहाँ थोड़ा सा कम कर देते हैं मार्जिन। तो देखिएगा दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा होगा किस तरीके से हमने इसमें मार्जिन लिया है, और इसको हम थोड़ा मार्जिन एकदम सेट कर देते हैं ताकि हमें ये ना दिखाई दे तिरछा हमने कर रखा है। तो देखिएगा दोस्तों इसको हम दूसरी सिलाई इसके ऊपर एक और लगाएंगे, वो देखिएगा इस तरीके से लगाएंगे। दूसरी सिलाई हम इसलिए लगाते हैं, जो आप देख रहे हैं ये हमने खुला रखा है इसके ऊपर, इसको हम इसको चढ़ा के रख देते हैं इसके ऊपर। ये देखिएगा इसके ऊपर हम चढ़ा के रख दिए, ये देखिएगा इसको हम चढ़ा करके रखने के बाद में सिलाई लगा दिए। और इसी तरीके से जैसे कि आप हम आपको बताए थे इसको, देखिएगा दोस्तों इसको हम क्यों चढ़ाते हैं, इसको हम इस तरीके से जैसे हमने आपको गला जड़ के दिखाया था, ये जो खुला देख रहे हैं आप इसको, इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर को चढ़ा देते हैं और यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं। तो देखिएगा इसको चढ़ाने का तरीका भी हम आपको बता चुके हैं, अब हम इसको खोल के दिखाएंगे हमने इसको क्यों चढ़ाया दोस्तों। आप पूछना चाहेंगे इसको अपने इसके ऊपर चढ़ा के क्यों सिलाई मारी है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा दोस्तों ये हमने सिलाई मार दी है, इसको हम चढ़ाएंगे। तो ये जो हम देख रहे हैं आप इसको, कंधी को हम इस तरीके से खोलते हैं, तो आप देखिएगा कंधी आपकी अंदर की तरफ को अंडरग्राउंड हो जाती है, यहाँ पर आपका कोई जॉइंट नहीं दिखाई देगा, कंधी जो होती है वो अंडरग्राउंड हो जाती है। तो इसको हम जैसे ऐसे खोल के देखेंगे तो आप देखिएगा इसके ऊपर हमने चढ़ा के जोड़ रखा है, चढ़ा के जोड़ने के बाद में इसको हम इस तरीके से खोल देते हैं। तो देखिएगा आपकी जो कंधी है वो एकदम बराबर लेवल से आएगी आपकी, ना तो आगे पीछे होगी कभी, और ये जो देख रहे हैं आप ये हमारा एकदम प्लेन आएगा। तो ये हमारा कंधी जोड़ने का तरीका है, तो कभी भी इससे गला आपका नहीं गिरेगा दोस्तों। दोनों तरफ की हम कंधी खोल दिए हैं, तो ये देखिएगा दोस्तों ये हमारा गला बैक का जो है, इस पर अब हम कच्चा लगाएंगे दोस्तों। तो देखिएगा अब इसको हम कच्चा लगाने के बाद में आपको पूरी दिखाएंगे किस तरीके से हमने गला बनाया दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ से हम इसके ऊपर गले के ऊपर कच्चा लगा देते हैं, कच्चा जो लगाएं हमेशा याद रखें कि बड़ी सिलाई से ही लगाएं ताकि उधेड़ने में आसानी हो जाए। देखिएगा दोस्तों ये हमने कच्चा लगा दिया है चारों तरफ, कच्चा लगाने का भी तरीका हमने आपको बताया। अब देखिएगा दोस्तों हमने जैसे आपको बताया था पूरा तरीका, फुल तरीका ये हमारा गला बनाने का तरीका होता है दोस्तों। ये देखिएगा हमारा बैक गला है दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने बैक गला ये तैयार है दोस्तों, और फ्रंट गला ये तैयार है। हमने आपको बैक गले की कंधी भी जोड़ने का तरीका बताया है ताकि इसमें कभी आपका गला नहीं गिरेगा। और ये देख लीजिएगा आपके सामने गला हमारा बनके तैयार हो चुका है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिजाइनर, और हमारे चैनल पे कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जो भी आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।